नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात होगी बरेली की, जहां बेरहम डंपर चालक ने मासूम को पीटा। प्राइवेट पार्ट में चुभोई कील। आगे बात करेंगे जालना की, जहां जली फसलों को ट्रैक्टर में रखकर किसान संघर्ष समिति का कलेक्टर कार्यालय पर खोला मोर्चा। साथ ही अगली खबर जालना से, जहां बायोमेडिकल कचरा खाली जगह पर फेंकने पर नगर पालिका ने अस्पताल पर लगाया 5,000 रुपए का जुर्माना। और भी तमाम खबरों पर आइए, करते हैं विस्तार से चर्चा। बरेली के बहेड़ी नगर के मोहल्ला जाजू नागर में एक बेरहम डनलप चालक ने बच्चों के साथ खेल रहे 4 साल के मासूम के रास्ते में से नहीं हटने पर मासूम की बुरी तरह पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, आरोप है कि भैंसों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पैने में लगी नुकीली कील को मासूम के प्राइवेट पार्ट में चुभो दिया। इस पूरे मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बरेली के बहेड़ी नगर के मोहल्ला जाजू नागर निवासी मुख्तार अहमद के मुताबिक, उनका 4 वर्षीय बेटा अरसलान घर के पास बच्चों के साथ खेल रहा था कि तभी मोहल्ले का ही एक डनलप चालक मिट्टी से भरा डनलप लेकर आया और मासूम अरसलान को गालियां देते हुए रास्ते से हटने को कहा। जब मासूम नहीं हटा तो आरोपी डनलप चालक ने मासूम अरसलान की पैने से बुरी तरह पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, आरोप है कि मासूम के प्राइवेट पार्ट में उसने पैने की नुकीली कील चुभा दी। बच्चे के रोने पर चीख पुकार सुनकर जब परिजन घर से बाहर निकले तो मौके पर मौजूद और बच्चों ने पूरा मामला बताया। आरोप है कि डनलप चालक से शिकायत करने पर उसने गाली गलौच की और फावड़े से गर्दन काटने की धमकी दी। साथ ही आरोप है कि पुलिस से शिकायत करने पर आरोपी ने मासूम के परिवार के लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी है, जिसके बाद पीड़ित पक्ष द्वारा पुलिस से मामले की शिकायत कर कार्यवाही की मांग की गई है। क्या नाम है आपका? मुख्तार अहमद। कहाँ रहते हैं? मोहल्ला जाजू नागर वार्ड नंबर 1। ये बच्चा कौन है आपके साथ में? ये मेरा बेटा है छोटा। क्या घटना हुई, थाने कैसे आए? ये खेल रहे थे, 3 बच्चे थे ये खेल रहे थे, 2 बच्चे भाग गए और इसको जो है पकड़ के ये हटा नहीं तब इसके कहाँ खेल रहे थे, कहाँ से नहीं हटा, पूरी बात बताइए। ये मिट्टी पड़ रही थी जगह में, हमारी जगह के सामने ये खेल रहे थे और उसके बराबर में डल्लब वाले मिट्टी डाल रहे थे, तो ये डल्लब बैक कर रहे थे जो हट दे रहे थे। कौन डल्लब लेकर आ था? मदन लाल, जिसने अच्छा। इसकी पिटाई लगाई। क्या किया बच्चों को, कहाँ मारा? इसके प्राइवेट पार्ट पे और बैक साइड में मारा। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। खबर हरदोई तहसील विकास खंड टडियावा से है, जहां ग्राम पंचायत पूर्वा देवरिया में किसानों की इच्छा के विरुद्ध, किसानों के प्रबल विरोध के बावजूद वर्ष 2008 से ग्राम पंचायत पूर्वा देवरिया ब्लॉक व थाना टडियावा परगना गोपामो तहसील व जिला हरदोई चकबंदी प्रक्रियाओं के अधीन है, जबकि ग्राम के लोग चकबंदी बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ग्राम के किसान उपरोक्त के संबंध में कई बार ग्राम पंचायत की खुली बैठक में चकबंदी के विरुद्ध प्रस्ताव भी पारित कर चुके हैं। ग्राम के कुछ गिने चुने लोग चकबंदी के अधिकारियों पर साठगांठ पैसे के बलबूते निजी हितों को साधने में लगे हैं और कम पढ़े लिखे अनपढ़ गरीब किसानों की अपूर्णीय क्षति कराने में लगे हैं। जबकि पूर्व में चकबंदी हो चुकी है, उसी में किसान संतुष्ट है, इसलिए दोबारा चकबंदी कराए जाने की आवश्यकता नहीं है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम रावेंद्र सिंह चौहान, मंडल अध्यक्ष लखनऊ भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी। आप राम लखन पाठक, जिला अध्यक्ष हरदोई भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी। ये जो किसान महापंचायत की भीड़ इकट्ठी है, यहाँ किस हेतु और क्या प्रयोजन है? किसान महापंचायत नहीं, वर्ष 2008 में चकबंदी प्रारंभ हुई ग्राम पंचायत पूर्वा देवरिया ब्लॉक व थाना टडियावा तहसील व जिला हरदोई परगना गोपामऊ। 2008 में चकबंदी यहाँ पर प्रारंभ हुई और तब से बराबर लंबित है, जबकि यहाँ का बात यह है कि इस गांव में पूर्व में भी चकबंदी हो चुकी है और यहाँ के जो काश्तकार हैं, किसान हैं, पूर्व में हुई चकबंदी से ही पूर्णतया संतुष्ट हैं और अब दोबारा ये चकबंदी बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। इसी कारण से किसानों के विरोध के चलते 15-16 वर्ष बीत गए, लेकिन चकबंदी यहाँ की पूर्ण नहीं हो पाई और चकबंदी यहाँ हो भी नहीं रही है। यहाँ तो खुलेआम डकैती हो रही है। मान्यवर, फार्म 23 बढ़ता है और फार्म 23 पहले ACO काटते हैं, चक काटते हैं, उसके बाद CO चक काटते हैं, उसके बाद SOC चक काटते हैं, उसके बाद फार्म 45 बनता है
और उसके बाद में पैमाई शुरू होती है। यहाँ पर एसीओ ने चेक काटे और पैमाई शुरू कर दी गई। फार्म 23 का वितरण नहीं किया गया, फार्म 23 लोगों को मिले नहीं। और अब कल जब हम लोगों ने विरोध किया, प्रदर्शन किया, तब कल जाकर के गांव में डुग्गी पिटवाई गई और फार्म 23 बांटने का काम कल प्रारंभ किया गया। लेकिन पैमाइश का कार्य 8 दिन 10 दिन पहले से ही चल रहा है। ये तो खुलेआम डकैती है। एसीओ के चेक काटने के बाद में कभी भी पैमाइश होते नहीं देखा और पुलिस के बल पर, पुलिस की लाठी के बल पर जबरदस्ती लोगों की खेती छीनते हुए चकबंदी वालों को हमने पहली बार पूर्वा देवरिया में देखा है। इसके पहले हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि एसीओ ने चक काटे हो और एसीओ के चक काटने के बाद सीधे सीधे पैमाइश शुरू हो गई हो, फार्म 23 किसानों को वितरित किए गए हों और पैमाइश का काम शुरू कर दिया गया हो। अगर कोई किसान कहे कि इसमें हमारी हकदल्फी हो रही है तो प्रधान जी फौरन पुलिस को बुला लें और पुलिस वाले धक्के मार करके उस किसान को पीछे कर दें या डंडे मार करके उसको चुप करा दें। और अगर पुलिस के धक्के और डंडे से भी चुप न हो तो उसको मोटरसाइकिल पर बैठा करके थाने में ले जाकर के हवालात के पास बैठा दें ताकि उसका मुंह बंद हो जाए। और किसानों का जबरन मुंह बंद करके जबरन चकबंदी करने का जो कुचक्र चल रहा है यहाँ पर, इसको भारतीय किसान यूनियन सफल नहीं होने देगी। इसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और इस जबरन चकबंदी को, अवैध चकबंदी को, खुलेआम डकैती को रोकने का काम भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी करेगी। इसके लिए हमको चाहे कुछ भी करना पड़े। जय जवान, जय जवान, जय जवान। अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। किसान हितों का हनन हुआ तो, किसान हितों का हनन हुआ तो, किसान हितों का हनन हुआ तो, किसान नहीं अकेला है, किसान नहीं अकेला है, किसान नहीं अकेला है, किसानों से जो टकराएगा। हरदोई से सीनू संवाददाता सरोज तिवारी की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के जालना से, जहां शेतकारी संघर्ष समिति ने जालना जिले में पानी की कमी के कारण जले हुए फलों के बगीचों को ट्रैक्टर में लादकर कलेक्टर कार्यालय तक मोर्चा निकाला। वर्तमान सूखे की स्थिति के कारण जालना जिले में पानी का बड़ा संकट है, नागरिकों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। इस बीच पानी के अभाव में किसानों के बगीचे सूख कर जल गए हैं। जले हुए बगीचों को लेकर शेतकारी संघर्ष समिति ने आज आक्रामक तरीके से कलेक्टर कार्यालय पर मोर्चा निकाला। इस समय शेतकारी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने निवासी डिप्टी कलेक्टर सोहम वायल को अपनी मांगों का एक बयान दिया है। किसानों की मांग है कि हमें अगले 7 दिनों के अंदर 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा मिले। नाराज किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन 8 जून तक हमारी मांगें पूरी नहीं करता है तो हम हजारों की संख्या में कलेक्टर कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। सर मुळामध्ये आमचं आंदोलनच नव्हतं हे, तर संबंध जालना जिल्ह्यामध्ये पाण्याअभावी जे आमच्या फळबागा जळालेल्या आहेत, तर ह्या फळबागा जळताना या आमच्या म्हणजे आश्रू बाहेर, म्हणजे डोळ्यातून आश्रू बाहेर निघालेत आणि ते आश्रू ह्या प्रशासनाला अद्याप दिसले नाहीत। कुठलाही प्रशासकीय अधिकारी आमच्या बांधावरती ती फळबागा जळत असताना पाहणी करायला आलेलं नाही, कुठला राजकीय मंडळी देखील आमच्या समस्या मांडत नाहीत। मग आम्ही असं ठरवलं की आपले अर्ज घेऊन आणि फळबागा घेऊन, जळालेला फळबागा घेऊन आपणच प्रत्यक्ष संविधानिक मार्गाने जिल्हाधिकारी साहेबाला ह्या कळवू आणि जिल्हाधिकारी साहेबाला हे याच्यासाठी कळवायची की बाबा ही जी नुकसान आहे आमची झालेली ही अद्यापही कोणी आमच्याकडे फिरकलेलं नाही, परंतु 2 लाख रुपये प्रति हेक्टरी आमची नुकसान भरपाई पुढील 7 दिवसांमध्ये आम्हाला पंचनामे करून मिळावी, अन्यथा पुढील 7 जूनला आम्ही मोठ्या हजारोच्या संख्येने शेतकरी आपल्या कार्यालयासमोर उपोषणाला बसणार आहोत। जिल्हाधिकारी साहेब काय म्हटले? जिल्हाधिकारी साहेबांनी कृषी विभागाचा आढावा घेतला आणि कृषी विभागाने देखील त्यांना सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली की आम्ही आजची आजच आमचा जो काय डेटा आहे, जो म्हणलं 100% जळाल्यात, तर तो 100% डेटा आम्ही प्रशासनाला कळवू। माझं नाव गजानन रामनाथ उगले, मुक्काम राजेगाव, तालुका घनसावंगी। महाराष्ट्र जालना से सीनियर संवाददाता शबीर पठान की रिपोर्ट। सामाजिक कार्यकर्ता प्रताप लहाने ने इस संभावना पर विचार व्यक्त करते हुए नगर निगम में शिकायत दर्ज कराई कि जालना शहर में अबन चौफुली से मंठा चौफुली तक बाईपास पर नए खुले परिणिका अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा बायोमेडिकल कचरा खुले जगह में फेंके जाने से नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में है। दी गई शिकायत में कहा गया है
कि परिणिका अस्पताल के आउटलेट से गंदा पानी आवास के सामने बहाया जा रहा है और अस्पताल का बायोमेडिकल कचरा खाली जगह पर फेंका जा रहा है, जिससे बीमारी फैलने की आशंका अधिक है। शिकायत में कहा गया कि इंजेक्शन सुई और अन्य दवाओं का कचरा इलाके में फेंका जा रहा है। प्रकरण है ये परिणिका हॉस्पिटल ग्रैंड एंड एक्सीडेंट हॉस्पिटल झाला इथं। तो हे आता त्याने काय करायला लागलं, ते काय करायला लागलं, त्यांचं जे घाण कचरा आहे, इंजेक्शन आहे, हे नियमानुसार त्यांना त्यांची विल्हेवाट लावावी लागती। पण ते काय करायला लागले, इथं सार्वजनिक जागेवर आणून टाकतात। आणि आम्ही जर इथले रहिवासी जर बोलायला गेलो तर ते डॉक्टर साहेब आम्हाला दादागिरीची भाषा वापरतात, गुंड लावून देऊन मारण्याची भाषा वापरतात आणि हे करतात आणि बळजबरी इथं आणून टाकतात। काय टाकलेलं इकडे? इंजेक्शन आहे, बाटल्या आहेत, त्या छोट्या मोठ्या इंजेक्शन आहे। आता कशाची रक्त काढलेली इंजेक्शन असू शकते, काही असू शकते, आमच्या लेकरा बाळाच्या पायात टोचू शकते, त्याच्यापासून आजार होऊ शकतो, काही होऊ शकतं। एवढा मोठा डॉक्टर असून त्याला त्याची जबाबदारी कळत नाही आणि आम्ही सांगायला गेलो तर ते आम्हाला दादागिरीची भाषा वापरतो। तुम्ही पुन्हा आरोग्य विभागाशी संपर्क साधला? आरोग्य विभागाशी तर नाही साधला, पण मी नगरपालिकेशी संपर्क साधला, नगरपालिकेला तक्रार देऊन आलो मी आत्ता। तर त्यांनी सांगितलं त्यांची लोकं पण येऊन गेले, पण त्यानं काय केलं, तोडीपाणी करून चालले गेले का काय केलं ते नाही मला अजून काही माहीत नाही। पण त्याच्यावर योग्य ती कारवाई केल्याशिवाय मी शांत बसणार नाही, गुन्हा दाखल झाल्याशिवाय मी शांत बसणार नाही। माझं नाव आहे प्रताप हसनराव लहाने, सामाजिक कार्यकर्ता जालना। जालना से सीन्यू संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।